आगे बढ़ेंगे अब छत्तीसगढ़ में आपको लेकर चलूंगी जहां आज ही शपथ ग्रहण समारोह होगा शाम चार बजे होगा और शपथ से पहले जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है उन्होंने विष्णुदेव साय कह रहे हैं आज सिर्फ तीन लोग ही शपथ लेंगे सीएम और दो डेप्यूटी सीएम सुनिए छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं विष्णुदेव साहे और फिलहाल विष्णुदेव साहे अपने पहुंचे हैं उस आवास पर जहां पर उन्होंने सालों साल गुजारे हैं ये वो सरकारी आवास है जहां पर उन्होंने सालों साल गुजारे हैं और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं विष्णुदेव साय मंदिर होकर के आ रहे हैं जगन्नाथ मंदिर और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनके स्वागत के लिए जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो जो है उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं विष्णुदेव जी के लिए आज एक बड़ा दिन है विष्णुदेव जी आज का दिन काफी बड़ा दिन दिन आज का दिन बड़ा है आपके लिए हाँ मेरे लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है कहे कि मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना है और हम अभी जगन्नाथ मंदिर गए थे जगन्नाथ स्वामी बलभद्र जी महाराज सुभद्रा माता से माथा टेके हैं उनसे आशीर्वाद मांगे हैं कि भाई इतना बड़ा पद को ठीक से निभा पाए इतनी शक्ति दें और छत्तीसगढ़ के लोगों का जो विश्वास है उनके विश्वास में खरा उतने ये होता कही एक, वो ताकत एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा आपको लेकर के अब ले जो है आपकी क्या योजना है क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं की गई थी जनता अपेक्षा कर रही है सबसे पहले क्या कुछ रहेगा देखिए मोदी की गारंटी में जितनी भी वादा हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया है पूरा करेंगे सर एक सवाल ये है, आज आज, जा जा है।, आज है। आप लोग शपथ ले रहे हैं कौन कौन शपथ लेने वाला है इसके बारे में बता दीजिए। वो पता चल जाएगा तो मंत्रिमंडल तय हो गया है। अभी मंत्रिमंडल 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 तय हो गया नहीं मंत्रिमंडल अभी नहीं लगे अब तीन लोग शपथ लेंगे अभी सिर्फ तीन लोग शपथ लेंगे आप और दो पता चल तो देखिए फिलहाल ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं विष्णुदेव साय की मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे फिलहाल मंत्रिमंडल को लेकर के उन्होंने कहा है कि अभी जो है नहीं तय हुआ है तीन लोग शपथ लेंगे तो इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है खुद जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं विष्णुदेव साय जो पहुंचे हैं अपने सरकारी आवास में उस, सर, उस आवास में जहां पर उनके पत्नी और उनका पूरा परिवार यहां पर मौजूद है और उन्होंने साफ तौर पर एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा है कि तीन लोग शपथ लेंगे मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री उसके अलावा जो है बाकी मंत्रिमंडल को लेकर के उन्होंने अभी जो है जो सवाल यही

का कार्यक्रम होगा और उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे अभी अटल जी की एक प्रतिमा है वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे उसके अलावा एक और इसी तरीके का कार्यक्रम है उसके बाद जो है शपथ जहाँ पर लेनी है उस और रवाना होंगे लेकिन उससे पहले जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनका स्वागत करेंगे तो ये तमाम जो कार्यक्रम है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे